राजस्थान की राजधानी जयपुर के जी क्लब में हुई फायरिंग के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सहारे कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने लॉरेंस को 7 दिन के लिए जयपुर पुलिस को रिमांड में दे दिया है। अब जवाहर सर्किल थाना पुलिस जी क्लब फायरिंग को लेकर उसके गुर को और हथियारों से संबंधित मामलों पर पूछताछ करेगी। आपको बता दें, पंजाब से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर जयपुर लाने के बाद पुलिस ने भीड़ में कोई असामाजिक घटना से बचने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पेश किया था। हालांकि वीसी के जरिए हुई पेशी के दौरान पुलिस ने लॉरेंस की 10 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन मजिस्ट्रेट ने लॉरेंस बिश्नोई को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश दिए। रिमांड अवधि के दौरान उसे जवाहर सर्किल थाने के हवालात में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा जाएगा। इस मामले पर एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के बाद अन्य बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। बदमाशों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। गौरतलब है कि जवाहर सर्किल थाना इलाके में स्थित जी क्लब पर हुई फायरिंग मामले में लॉरेंस बिश्नोई को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर बुधवार शाम को ही जयपुर लाया गया। क्लब पर फायरिंग करने से पहले मालिक को 5 करोड़ रुपए की रंगदारी के लिए धमकाया गया था, जिसके बाद दहशत फैलाने के लिए 17 राउंड फायर किए गए। इस कांड में अनमोल बिश्नोई और ऋतिक बॉक्सर के भी नाम सामने आए। दोनों लॉरेंस के लिए ही काम करते हैं और फिलहाल विदेश में बताए जा रहे हैं। गौरतलब है कि हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर राजधानी जयपुर के आधा दर्जन कारोबारियों को इंटरनेट कॉल के जरिए करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगे जाने के मामले में पूछताछ की जाएगी। लॉरेंस के राजस्थान नेटवर्क को भी खंगाला जाएगा और साथ ही उसके गुर को और शार्प शूटर्स के बारे में तमाम जानकारियां जुटाई जाएंगी। फिलहाल इस केस में रिमांड पूरी होने पर उसे वापस पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा।